ये दुनिया की वन ऑफ दी फास्टेस्ट ट्रेन है और इसी ट्रेन को आज मैं चलाने वाला हूँ। मेरा तो बचपन से ही सपना रहा है ट्रेन चलाने का। सबसे पहले ट्रेन डेपो में जाते हैं और सिनेरियोस पे क्लिक करता है, तो यहाँ पर जितनी भी ट्रेन अवेलेबल है गेम में सारी दिखती है। ये जो ऊपर की सारी ये सब पैसेंजर ट्रेन है, और ये जो लंबी नाक वाली है ये सब बुलेट ट्रेन है। इसकी नाक ऊपर वाले से ज्यादा लंबी है, मतलब ये ज्यादा फास्ट होगी। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे फ्रीट के इंजन, मतलब मालगाड़ी, और यहाँ पर एक स्टीम इंजन भी है। सबसे पहले हम ये फ्रीट वाला चूज करने वाला है। तो हम लोग रेलवे के स्टॉक यार्ड में आ चुके हैं, यहाँ पर इतने सारे इंजन रखे हुए हैं और ये सब इंजन BNSF कंपनी के है। BNSF का फुल फॉर्म पता है? बाबूलाल एंड सन्स फ्रीट। तो सबसे पहले हमें इन दो इंजन को प्रिपेयर करना है। ये जो इतनी बड़ी टंकी है ना, ये डीजल की टंकी है, और ये डीजल यहाँ पर नहीं डलेगा, ये ट्रेन का पेट्रोल पंप अलग से आता है। सबसे पहले यहाँ पर सीढ़िया चढ़ता है, बाबूलाल की सीढ़िया, और इसके अंदर अभी दरवाजा किधर है? इसका दरवाजा नाक के ऊपर है। वाओ, ऐसा दरवाजा तो मैं जिंदगी में पहली बार देखा। मतलब ट्रेन के नाक के अंदर से हमें घुसना है यहाँ पर। ओ वाओ, क्या मस्त कैबिन है यहाँ पर। दरवाजे को यहाँ पर बंद कर देता है और एक दूसरा दरवाजा खोल देता है। ओ हेलो, मैं ये साइड अटक गया, रुको इसको बंद करो, ये साइड जाओ, फिर से खोलो। अभी बराबर खुला है एंड ये हम आ चुके हैं कैबिन के अंदर। पहली बार ट्रेन के कैबिन के अंदर बैठा हूँ मैं। कमेंट्स में हो जाए बाबूलाल ओपी। और ये वाले दरवाजे को भी यहाँ पर बंद कर देता है ऐसे। तो हमारे मेन इंजीनियर की सीट यहाँ पर होने वाली है। ओ माय गॉड, यहाँ से पूरे यार्ड का नजारा दिखता है। अभी इस केबिन के अंदर एसी तो है नहीं, तो हमें विंडो ही खोलना पड़ेगा। वहाँ पर मालगाड़ी के डब्बे पड़े हुए हैं, वो भी बाबूलाल के ही है। मैप नॉट अवेलेबल, क्यों भाई, नेट नहीं है क्या? सबसे पहले हमें इंजन को ऑन करना है। ओके, फ्यूल पंप भी ऑन कर दिया। यहाँ पे सारे बटन एकदम प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। ये स्विच को हमें स्टार्ट पे करना है, इसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है तो इंजन स्टार्ट होगा। रुको, आवाज आएगी अभी। कम ऑन बाबूलाल, यू कैन डू इट। ओ आवाज आया, आवाज आया। चलो सीट पे बैठा जाए भाई, बैठ के काम करने का, आराम से काम करने का। अभी हमें इसका ब्रेक सेटअप करना है। भैया बाबूलाल तो बड़ा मॉडर्न है यार, फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले है भाई। यहाँ पर हमें ब्रेक का प्रेशर सेट कर दिया। अब यहाँ पर रिवर्सर डालना है, ये फॉरवर्ड भी जाता है, ये न्यूट्रल भी जाता है और रिवर्स भी जाता है। अभी तो हमें आगे जाना है तो इसको फॉरवर्ड करते हैं। देयर इज अ मिक्स मैनिफेस्ट वेटिंग एट द ब्लाह। ओके, तो सबसे पहले थ्रॉटल को थोड़ा सा 1 पे करता है। अभी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा शायद। ओ ट्रेन मूव हो रहा है भाई। हेलो, वो देखो मैं उधर बैठा हूँ, मैं खुद को ही हाई कर रहा हूँ। वाओ, अरे अरे, इंजन तो बहुत स्पीड पकड़ लिया भाई, इतना भी स्पीड में नहीं जाना था। चलो अपन केबिन के अंदर जाता है। तो यहाँ पर ट्रैक चेंज हो रहा है। ये बाबूलाल पूछ रहे तुमने सब्सक्राइब किया कि नहीं, कर दो फटाफट से, बाबूलाल गुस्सा हो जाएंगे। और लाइक बटन को भी मार देना। ओके वेट अ मिनट, सबसे पहले ब्रेक मारना पड़ेगा, जल्दी जल्दी ब्रेक मारो। अब प्रॉब्लम किधर हुई मैं बताता हूँ। हमें ये सबसे पहले नीचे उतरना पड़ेगा। ये स्विच बराबर अलाइन नहीं हुआ है, हमारे पहिए जो है वो ये राइट वाले ट्रैक से आ रहा है, राइट वाला ट्रैक यहाँ पर ज्वाइन ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्विच को राइट घुमा के ये ट्रैक यहाँ पर हो गया ज्वाइन। अगर ये ज्वाइन नहीं होता तो ट्रेन पटरी से उतर जाती, फिर हमारे बाबूलाल जी रेस्ट इन पीस हो जाते। भाई इमरजेंसी ब्रेक मार दिया था मैंने, इतना भी ज्यादा ब्रेक नहीं मारना था। चलो ब्रेक को कर दिया रिलीज, अब थ्रॉटल बढ़ाओ, चलो आगे, चलो बाबूलाल लेट्स गो। अब हम यहाँ पर मैप के ऊपर आता है। ये मैप एक्चुअली सारे स्विचेस दिखाता है, इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो ये वो साइड चला जाएगा, बट हमें मेन ट्रैक पे ही रखना है। ये हमें चेक करना पड़ेगा सारे स्विचेस बराबर है ना। अब बाबूलाल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा चलते जाएगा। इंजन दिखने में बहुत हैवी दिख रहा है भाई, इसका मतलब मैं हैवी ड्राइवर बन गया। एंड हम ऑब्जेक्टिव के पास पहुंच चुके हैं, तो ब्रेक मार दो भाई। रुक जाओ बाबूलाल, रुको रुको। ओ भाई, हमें यहाँ से गोल घूम के ऐसे इधर आना है। हमें सबसे पहले पटरियां चेक करनी पड़ेगी। ये देखो ये लाइन में नहीं है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन में लेके आते हैं ऐसे। ये सारे स्विचेस लाइन के बाहर ही है। ओके, तो सारे स्विचेस मैंने चेक कर लिए, सब कुछ बराबर है। बाबूलाल को ब्रेक रिलीज करने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा फटाफट कीजिए बाबूलाल जी। और ये बाबूलाल यहाँ पर पटरियां चेंज करते हुए, ओ भाई मैं स्पीड लिमिट के बाहर जा रहा हूँ, ब्रेक मारना पड़ेगा थोड़ा, हैवी ड्राइवर है ना, बहुत फास्ट चले गए। हम लोग अभी डीजल भराने जा रहे हैं। यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है तो हमें हॉर्न मारना पड़ेगा, इसका हॉर्न के साथ साथ घंटी भी बजता है। ये एक्चुअली सीधा जाता है और हमें जाना है राइट में, इसको हम घुमाते हैं ऐसे राइट में। अब ये रास्ता जा रहा है राइट में, पूरा वहाँ पर पेट्रोल स्टेशन है दिख रहा है मुझे, सॉरी यहाँ पर सिर्फ डीजल मिलता है। मैं इसी डीजल स्टेशन के पास जाना है, रुको थोड़ा थोड़ा ब्रेक मारना पड़ेगा, नहीं तो आगे निकल जाऊंगा मैं। ब्रेक मारने के बाद देर से रुकता है ट्रेन। तो ये रहा ट्रेन का फ्यूल स्टेशन, कुछ ऐसा दिखता है, अपने गाड़ी वाले के जैसा ही दिखता है। ये रहा डीजल का होस जो कि हमें इंजन के अंदर डालना है, और वो रहा हमारे बाबूलाल जी वहां से आते हुए। भाई बाबूलाल जी बहुत मारने वाला है मुझे। ओके ओके, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जल्दी ब्रेक जल्दी ब्रेक, भाई इधर ही रुकाना है। ओके फुल सर्विस ब्रेक मार दिया, आप देखो कितना आगे जाके रुकेगा फिर भी। एंड इंजन की टंकी यहाँ पर है, बट चलेगा। चलो अभी इंजन से उतरते हैं एंड बाबूलाल जी को डीजल पिलाता है। चलो सबसे पहले टंकी का कैप खोलना पड़ेगा, फिर इसको हमें हाथ में उठाना है। ओ भाई ये तो बंदूक जैसा दिख रहा है भाई। अच्छा इतना लंबा नहीं आएगा क्या? अरे तेरी, अभी इंजन पीछे लेना पड़ेगा यार। तो इंजन को पीछे लेना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, रिवर्स और फॉरवर्ड था ना, उसको रिवर्स कर रहा है। इधर साइड में खड़े रहकर देखना पड़ेगा मुझे, बस थोड़ा पीछे। एंड ये ब्रेक मार देता है, ब्रेक मार देता है, बस हो गया भाई।
वो अटैच हो गया भाई ऑटोमेटिकली फाश। तो होस तो लगा दिया, अभी हमें पाइप खोलना है। तो इसी पाइप में से डीजल आता होगा फुल स्पीड में, इसको भरने को तो बहुत टाइम लगता होगा। कितने लीटर का टाके? 20,000 लीटर, बाप रे। मैं अपनी फोर व्हीलर में 50 लीटर का ही टंकी आता है। चलो भाई भर के हो गया, अब इसको बंद करो। ये नोजल को निकालता है और इधर डाल देता है और ये फ्यूल कैप को यहाँ पर बंद कर देता है। अब बाबूलाल जी का पेट भर चुका है, अभी फुल स्पीड में भगाएंगे इनको। अब हम लोग बाबूलाल जी को ट्रेन के साथ जोड़ने जा रहा है। वो भाई यहाँ पर ऊपर से ट्रेन आ रही है, ट्रेन के ऊपर ट्रेन, वंडरफुल। हेलो ड्राइवर, बाय बाय। क्या खूबसूरत नजारा है ना भाई, ऑरेंज कलर के बाबूलाल इंजिन, मालगाड़ी के ऊपर मालगाड़ी, मजा आ गया भाई। भाई ऊपर वाली ट्रेन खत्म ही नहीं हो रही है। मैं सबसे पहले उड़ के देख लेता हूँ कि हमारे डब्बे कैसे है। तो यहाँ पर डबल डेकर वाले कार्गो डब्बे है, तो साइड में खड़े रहते हैं और हमारे इंजन के आने का इंतजार करते हैं। आने दो भाई, आने दो, धीरे धीरे आने दो। ओके, इंजन हमारा डब्बों के नजदीक आ चुका है। स्लोली स्लोली आने दो भाई, ये स्पीड बढ़ रही है। एंड ये बूम हो गया भाई कपल। और बाबूलाल का पावर देख रहे हो, सारे डब्बों को पीछे धक्का मार दिया। वेरी गुड बाबूलाल। ओ भाई मेरी ट्रेन पीछे जा रही है, ब्रेक मारो भाई, पीछे किसी को उड़ा देगी। हाश टाइम पे ब्रेक लग गया, वैसे पीछे तो पूरा खाली है, कोई टेंशन नहीं है। अब बाबूलाल जी को पावर करता है फुल स्पीड में और ट्रेन हमारे आगे बढ़ने लग चुकी है और पीछे से भी आगे बढ़ रही है। ऑब्वियसली ब्रो, पूरी ट्रेन ही आगे बढ़ेगी ना यार। ये भाई इधर तो लाल सिग्नल है। अच्छा ब्लिंकिंग लाल मतलब येलो, क्या सीधा येलो ही डाल देते भाई। हम यहाँ पर सिग्नल को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, उसको पूछ सकते कि भाई आगे का सिग्नल कौन सा है। भाई ट्रेन का वजन इतना है कि बाबूलाल जी स्लो पड़ गए हैं। भाई हमारी ट्रेन तो बहुत लंबी है यार। भाई विंडो खोलो यार, गर्मी लग रही है। भाई ये ट्रैक कितने सारे चेंज हो रहे हैं भाई, यहाँ पर एक साथ 4-5 लाइन में लगे हुए हैं। ये जो 3 पटरी है ना, ये हमारी मेन लाइन है। हम यहाँ पर मेन लाइन में कुछ ऐसे ज्वाइन होने वाला है। एंड ये हम मेन लाइन पे हो चुके हैं ज्वाइन, कांग्रेचुलेशंस बाबूलाल जी। भाई फुल साफ जैसी ट्रेन लग रही है पीछे। वो रहा वहाँ पे एक स्टेशन दिख रहा है, आई थिंक यही अपना मेन स्टेशन होगा और हम लोग इस स्टेशन के बाजू से निकल जाएंगे। ओ भाई साहब, ये दीदी का भाई। हेलो दीदी, आपका भाई, मेरे को बोला भी नहीं यार, मेरे को लगा मैं अकेला बैठा हूँ उधर। तो इस स्टेशन का नाम है सैन बर्नार्डिनो, बड़ा ही खूबसूरत स्टेशन है यार। यहाँ से अब रास्ता पूरा स्ट्रेट ही है। तो अब यहाँ से हम बाबूलाल जी को बोलते हैं गुड बाय और सीधे जाते हैं बुलेट ट्रेन के अंदर। ओ भाई साहब, मैं बुलेट ट्रेन के अंदर आ गया। बुलेट ट्रेन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और इसकी हमें आज स्पीड टेस्ट परफॉर्म करनी है। इस ट्रेन के अंदर वाईफाई भी है। अब क्योंकि ये बुलेट ट्रेन है तो इसका नाम हम रखेंगे गोली। अरे मेरे बाजू वाली ट्रेन जा रही है, तुसी जा रहे हो, तुसी न जाओ ना। ये बुलेट ट्रेन के पहिए एकदम अलग ही होते हैं, 300 की स्पीड पे जाता है भाई ये, और ब्रेक्स भी बहुत पावरफुल होती है। भाई जहां तक मुझे दिख रहा है ये बहुत ज्यादा लंबी है बे। भाई ये स्टेशन कितना क्लीन है बे, यहाँ पर किसी ने तंबाकू नहीं थूका हुआ है। बोलो जुबा केसरी। भाई ट्रेन के बीच में रेस्टोरेंट भी है। हेलो, मेरे को अंदर से देखना है, कोई घुसने दो यार प्लीज, मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूँ यार। तो रेस्टोरेंट वाली सीटिंग है भाई अंदर। तो मैंने यहाँ पर डब्बे गिने, टोटल 14 डब्बे है। चलो अंदर बैठ के थोड़ा ट्रेन को चालू करता है। भाई इतने सारे बटन, फुल प्लेन वाली फीलिंग आ रही है भाई। हमें यहाँ पर रिवर्सर हैंडल डालना है और इसको हम फॉरवर्ड सेट करेंगे। रुको पहले मैं बैठ जाता हूँ। हेलो अंकल, ये विंडो खुलता है क्या? ओ भाई विंडो भी क्या मस्त खुलता है बे। अंकल अभी आवाज आ रही है क्या? इस ट्रेन में बैठ रहे हो तुम? ओके वेलकम अबोर्ड। चलो हेडलाइट्स को हमें ब्राइट करनी है, अभी हमें ब्रेक को अनलॉक करना है। ओके पहले लॉक किया था क्या? नाउ द ट्रेन हैज बीन सेट अप। ओके यू कैन वो हमें 300 किलोमीटर की परमिशन मिली हुई है, मतलब हमें ट्रेन को फुल स्पीड में भगाना है भाई। सेट द ट्रेन टू रनिंग। ओके किधर से रनिंग करता है? तो इस ट्रेन ब्रेक को हम रनिंग पे कर देते हैं। एक मिनट, पहले मैं दरवाजा खोल देता हूँ, जिसको बैठना है बैठ जाओ ठीक है। एक मिनट, मैं इधर से निकलू कैसे? इधर कोई दरवाजा ही नहीं है, वो यहाँ पर है दरवाजा और ये इंजन के अंदर लेके जाता है। भाई ये बुलेट ट्रेन का इंजन देख लो, मैंने भी कभी नहीं देखा है। ओ ये रहा दरवाजा, यहाँ पर है। इधर से मैं उतर जाता हूँ। अभी अंकल के तो काले बाल थे, अचानक से लाल कैसे हो गया? ओ अच्छा, वो ये वाले अंकल थे क्या? दोनों सेम ही दिख रहे हैं। अभी हम लोग इस डब्बे के अंदर घुस के देखते हैं। क्लाइंब अप करो जी। बैठने के लिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सीट्स है। और ये क्या, इधर ट्रे भी रखी हुई है सामान रखने के लिए होगा शायद। भाई टॉयलेट किधर है? भाई टॉयलेट तो मेन है। ओके यहाँ पर और एक दरवाजा खुलता है। ये शायद से फर्स्ट क्लास है गाइस। फर्स्ट क्लास वालों को एक स्पेशल केबिन होता है ऐसे, इसके अंदर 6 लोग बैठ सकते हैं। हेलो दीदी गुड मॉर्निंग। इसके बाहर का व्यू भी मस्त है। वो टॉयलेट आ गया भाई, ये रहा यहाँ पर है। इसका दरवाजा नहीं खुलता है। भाई तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, अंदर जाके बैठो ना यार। ठीक है, एसी नहीं चाहिए क्या? भाई ये अंकल भी सेम दिख रहा है। इसको बाल नहीं है बस। ये रहा गाइस रेस्टोरेंट का डब्बा आ चुका है। ओह वाओ, क्या 5-स्टार रेस्टोरेंट दिख रहा है बे। तो यहाँ पर ड्रिंक्स का सेक्शन है, यहाँ पर पेप्सी कोला लेके बैठ जाओ। और ये रहा यहाँ पर एक खाने का सेक्शन। हमारी ट्रेन में पेंट्री कार होती है, वैसे यहाँ पर रेस्टोरेंट है भाई। चलो भाई ट्रेन का टूर तो हो गया, अब इसको ब्रेक रिलीज करते हैं एंड पावर लगाते हैं भाई। और सबसे पहला गोल है हमारा रीच 100 किलोमीटर की स्पीड। भाई आगे बढ़ो। ओ चालू हुआ चालू हुआ भाई। ये ट्रेन का ड्राइवर लड़की है भाई, मैंने मेल चूज किया था। एंड इसका थ्रॉटल फुल कर देता हूँ मैं, देखते कितनी स्पीड पे जाता है ये। एंड ये ट्रेन स्पीड पकड़ रही है गाइस धीरे धीरे। भाई ट्रेन खत्म हो रही है कि नहीं, किधर है? ओ ये रहा ट्रेन का लास्ट डब्बा। ओके लास्ट डब्बे में भी इंजन है एक्चुअली, मतलब इस ट्रेन के दो दो इंजन है भाई। लिटरली 1 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर पहुंच गए भाई। हमें इसको 300 तक भगाना है। तो यहाँ पर जो ये स्विचेस है ना, ये सारी ऑटोमेटिक है, मतलब हमें मैनुअली जाके चेंज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर ग्रीन सिग्नल भी मिले हुए हमें, लेकिन उसके बाजू में लाल भी है, वो बाजू वाले का है भाई। इसको बाहर से देखो तो ये, ओ माय गॉड क्या
स्पीड पकड़ी है भाई। भाई हमारी स्पीड लिमिट अब 400 हो गई। वो आगे एक स्टेशन आ रहा है लगता है, स्टेशन नहीं है वो रेलवे का ब्रिज है। ओके, और हम टनल के अंदर जा रहे हैं भाई। टनल के आगे पेंटिंग्स भी लगाई हुई है भाई। लाइट हमारी फुल है, कैबिन की लाइट चालू करो भाई। भाई इतनी छोटी कैबिन की लाइट, ओ यस अभी कैब लाइट बराबर है भाई। चलती ट्रेन में विंडो भी नहीं खोल सकते। कश टनल में हमारी ट्रेन कुछ ऐसे दिख रही है भाई, क्या ही स्पीड में भाग रही है ये। 200 टच हो गई है भाई। अब हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज होके 300 किलोमीटर हो चुका है और ये टनल के बाहर आ चुका है। वाव क्या नजारा है भाई, नीचे एक नदी भी है। ये रही हमारा गोली बेटा एकदम मजबूत जाते हुए, जंगल के अंदर से जा रही है ट्रेन। हम लोग अभी कैमरा एंगल चेंज करके देखते हैं। ओ भाई क्या स्पीड है इस ट्रेन की, ये देख रहे हो भाई, ये है 200 की स्पीड भाई, एक नंबर। कैबिन के अंदर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है बाहर की। तो बुलेट ट्रेन के लिए ब्रिज बनाना जरूरी है, नहीं तो बीच में एनिमल्स आ जाएंगे। और इतनी स्पीड वाली ट्रेन अगर एनिमल के साथ ठोकेंगी तो वो देखो उधर मैं दिख रहा हूँ, मैं वो ये रहा। बीच में एक स्टेशन आया है, हम हॉर्न मारेंगे क्योंकि हम इस स्टेशन पे रुकने नहीं वाले। ये ट्रेन रेस लगाता है क्या, रेस मेरे साथ है भाई। वो ट्रेन तो रुका हुआ है और हम कितनी तेजी से उसके बाजू से निकल रहे हैं। बाय बाय गोली नंबर 2। ये देखो एक टनल खत्म और दूसरा टनल आ भी गया भाई। 260 पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 300 पहुंचने वाला है। और रेड सिग्नल, अरे भाई रेड सिग्नल क्यों डाला बीच में, ये क्या है यार। एक मिनट मेरे को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा नहीं तो सिनेरियो फेल हो जाएगा। अबे यार ब्रेक मारो, जल्दी ब्रेक मारो, इमरजेंसी ब्रेक मारो भाई, इमरजेंसी ब्रेक मारो। अबे यार सिग्नल ग्रीन हो गया भाई, ये पहले रेड था और अचानक से ग्रीन हो गया, क्या सिग्नल बनेगा रे तू भाई। जंगल के बीच में ट्रेन रुक चुकी है यार। अभी इमरजेंसी ब्रेक मारे है ना तो हमें सबसे पहले ब्रेक को चार्ज करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर फिल लिखा हुआ है ना, हमें ब्रेक के प्रेशर को फिल करना पड़ेगा। ये जो प्रेशर का बार दिख रहा है ना वो फुल 4 तक लेके जाना आई थिंक, पता नहीं भाई जितना भरता है भरने दो। 5 के उधर रेड मार्क डाला है तो शायद 5 तक भरना होगा। तो ये 5 तक फुल भर चुका है। अब हम थ्रॉटल को बढ़ाते हैं, ट्रेन आगे बढ़ती है क्या। ओ यस ट्रेन बढ़ रही है फाइनली, इधर थ्रॉटल फुल कर दिया। अब देखो कैसे फटाक से 300 तक पहुंच जाती है भाई। वाईफाई अंदर चल रहा है ना बराबर, क्योंकि ऐसे जंगल में वाईफाई चलना मतलब ओ भाई जंगल में एक कैबिन भी है। आगे का सिग्नल ग्रीन है थैंकफुली भाई। अभी अचानक से लाल मत डालना था बीच में, छोटी सी प्यारी सी नदी है और ब्रिज भी बड़ा खूबसूरत बनाया यार। अभी टनल के अंदर तो अंधेरा है तो इसका फुटेज मैं काट दूंगा। एंड एक बड़े शहर के ऊपर से जा रहे हैं हम लोग। बाय बाय शहर वालों, यहाँ पर मैं नहीं रुकने वाला। विंडमिल के पीछे अपना गोली बेटा, क्या मस्त दिख रहा था। 3, 2, 1 एंड हो गया 300 भाई, 300 पहुंच गए। ये देख लो गाइस 300 की स्पीड कैसी होती है, फुल सट 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 जा रहा है भाई। क्या बुलेट की गोली से गया है भाई। भाई इसका हॉर्न बाहर से अलग सुनाई देता है, एकदम अजीब हॉर्न है ये। ट्रेन के हॉर्न से मैं जादू को बुलाऊ क्या। पॉम 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 पॉम। ओके तो अभी एक स्टेशन नजदीक आ रहा है और हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा। स्टेशन आया क्या, दिख रहा नहीं है। ओके वो रहा, वहां पर स्टेशन है। हम पहले से ही हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे ताकि लोग जो खड़े हैं स्टेशन पे वो साइड हट जाए। अभी इसने रेड सिग्नल क्यों दिया अभी भाई। भाई ये कुछ तो गलत होने वाला है, ट्रेन क्या खतरनाक टर्न ले रही है यार। ओ भाई साहब ये रहा ट्रेन का स्टेशन, यहाँ पर आया हुआ है। अभी रेड सिग्नल हटाओ यार जल्दी प्लीज, ये स्टेशन पे हम रुकने तो नहीं वाले। लेकिन हाश सिग्नल एंड टाइम पे ग्रीन हो गया भाई। भाई सिग्नल वाले बड़े खतरनाक है बे। वहाँ पर और एक बुलेट ट्रेन रुकी हुई है भाई, वो ट्रेन में गाड़ियां जा रही है। ओ वाव इधर एक सोलर पावर प्लांट है, इसी सोलर में से इसको इलेक्ट्रिसिटी आती होगी शायद। सोलर के जाने के बाद यहाँ पर विंडमिल का फार्म लगा हुआ है। अब ये बुलेट ट्रेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली है। भाई ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी क्योंकि स्टेशन नजदीक आ रहा है। तो हम सिटी के नजदीक पहुंच चुके हैं। इधर एक बड़ी सी नदी है भाई, व्हाट अ खूबसूरत ब्रिज यार, एक नंबर। इसी सिटी के स्टेशन पे हम रुकने वाला है। ओ भाई इधर एक बड़ा सा यार्ड है ट्रेन का, लगता है बहुत बड़ा स्टेशन होने वाला है। इस सिटी में नदी भी है और नदी के ऊपर शिप्स भी है भाई। यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रैक्स है, ब्रेक मारना पड़ेगा बहुत जल्दी से क्योंकि स्टेशन सामने आ चुका है। कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर रुकना है यार, यहाँ पर कितनी सारी बुलेट ट्रेन है। तो हमें ये बीच वाले प्लेटफॉर्म पे रुकना है, इतने सारे ट्रैक्स है यहाँ पर। और स्टेशन के अंदर हम लोग एंट्री मारते हुए धीरे धीरे से जाएंगे। वेल थोड़ा सा स्पीड फास्ट करते हैं, कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया था। इवन तो स्टेशन बहुत बड़ा है लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, इतने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लोग फिट भी नहीं होंगे। ये रहा बाजू वाली ट्रेन का रेस्टोरेंट। एंड हल्का सा ब्रेक मारना शुरू करते हैं क्योंकि अगर रेड सिग्नल है, अगर उधर क्रॉस हुआ ना तो भाई वाट लग जाएगी। इस ब्लू स्पॉट के परफेक्ट अंदर में ट्रेन को रुकाने वाला हूँ। एंड हो गया भाई, रुक गया ट्रेन। मैक्सिमम स्पीड ऑफ 327। ओ वाओ, बाय बाय गोली बेटा। और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक तुम ये वाला वीडियो देखो, बहुत मस्त है।